बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म मेड इन चाइना के प्रमोशंस में काफी बिजी है। फिल्म की कहानी है एक ऐसे गुजराती बिजनेसमैन की जो अपने सपनों की उड़ान ज्यादा से ज्यादा ऊंची करने की कोशिश में चीन पहुंच जाता है और यहां मिलता है उसे सक्सेस का एक ऐसा फॉर्मूला जिसे दुनिया भर में बेचकर वह मार्केट का किंग बन जाना चाहता है। फिल्म के प्रमोशन का सिलसिला जारी है और इसके लिए हाल ही में राजकुमार राव सलमान खान से मिले। सलमान भाई आपको तो पता ही होगा वो हमारा प्रोडक्ट है मैजिक सूप, हम सब जगह जाके बेच रहे हैं मैजिक सूप में वो और शो। राजकुमार राव ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह सलमान को अपना मैजिक सूप बेचने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। हालांकि जब राजकुमार राव सलमान से कहते हैं कि उनका सूप मर्दों की जो कमजोरी होती है उसे दूर करता है और अंदर के शेर को जगा देता है, तो सलमान कहते हैं कि मेरे अंदर तो ऐसी कोई कमजोरी नहीं है। इस पर राजकुमार राव ने कहते हैं कि आपके लिए नहीं, आपको तो बस बताने आए थे। इसी बीच राजकुमार राव के साथ खड़ी मौनी रॉय कहती है कि 25 अक्टूबर को लॉन्च हो रहा है ये सूप। वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे बिग बॉस के शूटिंग सेट के बैकग्राउंड में कहीं शूट किया गया है, क्योंकि सलमान खान वीडियो में उसी आउटफिट में नजर आ रहे हैं जैसे वो शो को होस्ट करते हैं। सलमान ने अपने कान पर माइक भी लगाया हुआ है, साथ ही पीछे सेलिब्रिटी एक्सप्रेस भी लिखा हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। फिल्म की बात करें तो मेड इन चाइना का निर्देशन निखिल मुसले ने किया है और इसका प्रोडक्शन दिनेश विजान व शारदा करकी जलोटा ने किया है। फिल्म में राजकुमार राव और मौनी रॉय के अलावा अमायरा दस्तूर और बोमन ईरानी भी अहम किरदार में नजर आएंगे। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। रघु मेहता है, रुक्मणी की पत्नी है। सलमान भाई आपको तो पता ही होगा वो हमारा प्रोडक्ट है मैजिक सूप, हम सब जगह जाके बेच रहे हैं मैजिक सूप में वो और शो। मैजिक शो मर्दों के बहुत काम आता है। तो शो है या सूप? सूप है, मैजिक सूप। मैजिक सूप सूप पीने वाला सूप? पीने वाला। अच्छा, बहुत बहुत ताकत है उसमें। तो वो हम सब ताकत है उसमें, वो मर्दों में जो भी कमजोरी होती है ना सबका एकदम ऐसा मंदिर का शेर जगा देता है। मेरे में ऐसा कोई कमजोरी है नहीं अभी तक। बोलिए, हम तो आपको बताते हैं, आपको तो कोई जरूरत है नहीं। हम तो वैसे ऐसे आपको बताने आए थे कि हमारा प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं। आपको तो कोई जरूरत नहीं है।